Hi everyone, good afternoon. Welcome you. I'm Dr. Ipshita Jhauri. I'm a dermatologist and MD at Skinfinity Derma Skin Hair and Laser Clinic. And I welcome you all to the Skin Lightening Special Episode, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ Skin Lightening Treatments के बारे में and also about one of the Skin Lightening Creams that you can use. So, let's first start today's session with a question. कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि गोरे लोग ज़्यादा सुंदर दिखते हैं? You can just write yes if you agree with this sentence, कि गोरा मतलब सुंदर. कितनों को लगता है कि ऐसा है कि गोरी स्किन ज़्यादा खूबसूरत होती है या गोरी स्किन वाले लोग ज़्यादा सुंदर लगते हैं? आकांक्षा डज नॉट अग्री विद द सेंटेंस. बाकी लोग यस यस ओके. सो जो एक जनरल कंसेप्ट है स्किन लाइटनिंग का, वी हैव सो मैनी क्वेरीज जो लोग आके बोलते हैं कि उनकी स्किन परफेक्टली नॉर्मल है. डर्मेटोलॉजिस्ट आर बेसिकली टू ट्रीट स्किन प्रॉब्लम्स, बट वी ऑल्सो प्रोवाइड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स. सो इतने सारे लोग आते हैं हमारे पास ये पूछने के लिए कि स्किन लाइटनिंग या स्किन वाइटनिंग करना है. सो ये इसलिए है बिकॉज एक जनरल सोसाइटी में ये माना गया है कि गोरी स्किन ज़्यादा सुंदर होती है, चाहे मैट्रिमोनियल एड्स हों, जब आप शादी के लिए अरेंज मैरिज में जाते हैं ढूंढने के लिए लाइफ पार्टनर, तब भी आप ये देखते हैं कि गोरी स्किन होनी चाहिए. दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया स्टिल इन टूडेज एडवांस सोसाइटी. वेन वी हैव रीच द मून, दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया एंड यू के नॉट डिनाई दैट कि गोरी स्किन का एक बहुत क्रेज़ है, स्पेशली हमारे कंट्री में. फॉरेनर्स की बात अलग है, हमारे पास जो फॉरेन से पेशेंट आते हैं, जो फिरंग पेशेंट आते हैं, वो ये बोलते हैं कि उनको एक टैंड स्किन चाहिए या उनको इंडियन स्किन कलर ज़्यादा पसंद है. सो दे वॉन्ट दैट व्हीटिश कलर. सो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. हम आज बात करने वाले हैं स्किन लाइटनिंग या स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स एंड जो इतनी सारी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स आपको अवेलेबल होती हैं. एवरी ब्रांड हैज समथिंग फॉर स्किन लाइटनिंग एंड स्किन वाइटनिंग टू ऑफर यू. सो दैट इज़ वाई वी हैव कम टू द टॉपिक ऑफ स्किन लाइटनिंग टूडे. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब स्किन वाइटनिंग हम जो बोलते हैं, स्किन वाइटनिंग में अगर आपका ये कंसेप्ट है कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है, मतलब जो एक व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन वाला पर्सन है वो एकदम फ्लॉलेस फेयर हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपका जो कलर है वो बहुत जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है. आपकी फैमिली का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, पेरेंट्स का जो कलर है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका स्किन टोन, स्किन कलर कैसा रहेगा. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई स्किन लाइटनिंग या वाइटनिंग ट्रीटमेंट ऐसा हो जाए जिससे बिल्कुल स्किन का कलर चेंज हो जाए, फ्लिप हो जाए, तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो आपको अपने दिमाग से निकालना चाहिए. आप बहुत बार होता है कि लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं एंड दे फील दैट सेलिब्रिटीज़ एकदम से गोरे हो गए हैं. तो यस, देर आर सम ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल विच रियली ट्रांसफॉर्म योर स्किन कलर. तो बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि ग्लूटाथायोन थेरेपी हुई, ओरल ग्लूटाथायोन है या इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन है. इससे मेलेनिन का इनहिबिशन हो जाता है. मेलेनिन एक पिगमेंट है आपके स्किन में, कुछ सेल्स होते हैं आपके स्किन में जिसको मेलेनोसोम कहते हैं, और इसमें से एक पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल निकलता है जिसको मेलेनिन कहते हैं. इस मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ही इंडियन स्किन टोन हल्का सा व्हीटिश या डार्क होता है, टाइप 3 या टाइप 4 स्किन होती है. जिन लोगों में मेलेनिन बहुत ज़्यादा होगा उनकी स्किन और भी बहुत डार्क होगी, और इसी मेलेनिन की कमी होती है जिस स्किन में वो स्किन एकदम फेयर होती है. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फेयर स्किन और जिसमें कम मेलेनिन है वो ज़्यादा हेल्दी होगी. अगर हम स्किन की हेल्थ के बारे में बात करें तो ये जो मेलेनिन पिगमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए. सो मेलेनिन का फंक्शन होता है फोटो प्रोटेक्शन. जब भी आप धूप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप टैन हो जाते हैं. टैन होना मतलब कि मेलेनिन की मात्रा बढ़ गई आपके स्किन में. ये इसलिए होता है ताकि आपकी स्किन को वो प्रोटेक्ट कर पाए स्किन कैंसर से, फ्रेकल्स होने से, ओपन पोर्स होने से. तो आप हमेशा देखेंगे कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है वो एकदम रेड हो जाती है धूप में, या उसमें बहुत जल्दी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आती है, छोटे छोटे ब्लैक फ्रेकल्स बनने लगते हैं स्किन पे, या फोरहेड बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेयर स्किन वालों को ज़्यादा आती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेलेनिन पिगमेंट. सो इफ यू हैव अ व्हीटिश स्किन टोन आई वुड से दैट यू आर लकी. तो
कम्प्लीटली स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ स्टीरॉयड क्रीम्स भी यूज होते हैं, बहुत तरह के क्रीम्स हैं. कुछ क्रीम्स हैं जैसे कि मेलाकेयर या फिर बेटनोवेट या फिर मोमेटाजोन, ये ऐसे क्रीम्स हैं जो बहुत कॉमनली सारे लोग यूज़ करते हैं गोरा होने के लिए. अब इन क्रीम्स को जब आप लगाना चालू करेंगे तो पहले 10 दिन या 20 दिन तक तो आपको ये फील होता है कि स्किन एकदम से लाइट हो रही है, बट फैक्ट ये है कि उसके बाद प्रॉब्लम्स चालू होती हैं. उसके बाद स्किन ज़्यादा रेड हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी, बिकॉज स्टीरॉयड, अगर स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड फेस पे लगाया जाए लंबे समय तक तो वो स्किन की थिनिंग करने लगता है, स्किन बहुत थिन हो जाएगी. स्किन में टेलेंजेक्टेसिया यानी कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो दिखने लगते हैं, जिसको रोजेशिया कहते हैं. आई थिंक किसी ने क्वेश्चन भी किया है रोजेशिया के बारे में. सो रोजेशिया होना, रेडनेस होना, बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस या वेन्स दिखने लगना स्किन में, ये प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं स्टीरॉयड एप्लीकेशन से. और लंबे समय तक आप यूज़ करेंगे तो फेस पे हेयर ग्रोथ भी चालू हो जाती है, तो फाइन हेयर आने लगते हैं फेस पे. तो ये सब प्रॉब्लम होने लगेंगी अगर आप फेयरनेस के पीछे अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड से एक्सपोज करेंगे. तो ऐसा कोई हार्मफुल ट्रीटमेंट करके स्किन के कलर को कुछ समय के लिए एकदम फेयर कर देना, ये एक तरह का ऑब्सेशन है जिससे हमें बचना चाहिए. सो वॉट शुड वी एक्चुअली लुक फॉर, वॉट आर ऑल दी स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स दैट वी ऑफर इन द क्लिनिक्स, इन द स्टोर्स, सो मैनी क्रीम्स जिन पे लिखा रहता है स्किन लाइटनिंग क्रीम, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम. ये जो ट्रीटमेंट्स हैं या ये जो क्रीम्स हैं ये एम करती हैं एक इवन स्किन टोन लाने के लिए या फिर फेस पे ग्लो लाने के लिए, या कोई अगर स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेज हैं उनको रिमूव करने के लिए. सो एक ग्लोइंग स्किन, हाइड्रेटेड स्किन, इवन स्किन टोन, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं और ये चीज़ आपको ढूंढनी चाहिए रादर देन कम्प्लीट वाइटनिंग ऑफ द स्किन. तो जब आपकी स्किन टोन इवन होती है तो ऑटोमेटिकली लाइट आपके फेस से रिफ्लेक्ट होती है. जैसे अगर आप इफ यू सी माय फेस राइट नाउ, यू विल सी दैट द चीक इज रिफ्लेक्टिंग मोर लाइट. सो सम एरियाज दे विल अपीयर मोर लाइटर, सम एरियाज विल अपीयर मोर डार्कर, एंड दैट गिव्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मेकअप और इट गिव्स अ ब्राइटर टोन टू द स्किन. और जब आपकी स्किन ब्राइट लगेगी, इवन फ्लॉलेस स्किन लगेगी जिसमें कोई दाग धब्बे नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एक ब्यूटिफुल स्किन बन जाती है. और अगर आपका वीटिश स्किन टोन है या डार्क स्किन टोन है, उसमें भी अगर आपकी फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन है, इवन टोन स्किन है, विदाउट एनी टैन, विदाउट एनी एक्ने, मार्क्स, पिंपल्स, क्लियर स्किन है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सुंदर दिखने में हेल्प करती है. एंड दैट इज समथिंग दैट वी शुड हेल्प, वी शुड सीक फॉर, वी शुड ऑलवेज सीक फॉर अ हेल्दी क्लियर इवन टोन स्किन विच इज ग्लोइंग ऑल द टाइम. सो कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं इस टाइम पे, प्लीज राइट येस इफ यू अग्री टू दिस कॉन्सेप्ट, सो दैट मैं आपको ऐसी क्रीम्स बता सकूं जो आप यूज कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस. प्लीज राइट येस इफ यू अग्री, इफ यू अग्री दैट हमें क्लियर स्किन टोन चाहिए रादर देन वाइट स्किन टोन. यस, ऑलराइट. सो नाउ कमिंग टू द क्रीम रिव्यू. Yes, so many yes I've got. Thank you so much. Right. Absolutely. So all of you, so now when you are agreeing with me कि हमें clear skin tone चाहिए, तो अब हम बात करेंगे कि clear skin tone कैसे आ सकती है. तो regular basis पे जो आप cream use कर सकते हो even skin tone के लिए is something which has components like this cream. I'm not sure if you can see the cream or I should show it in opposite way. So I have a cream, I'll just name the components. There is a cream called Cozy 5 Plus. Now the components, if you see in this cream, there is kojic acid, there is vitamin C, there is arbutin and glabridin and terovite. Ab ye jo components hain is cream ke, these are some things jo aap regular use kar sakte ho. Vitamin C is very good without any side effect jo aap regular use kar sakte hain. एंटी एजिंग भी होता है, स्किन को हाइड्रेट भी करता है, क्लैरिटी भी देता है. आर्ब्यूटिन इज अगेन स्किन लाइटनिंग कंपोनेंट जो आप लाइफ लॉन्ग भी यूज करेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. कोजिक एसिड बहुत अच्छा है टैन रिमूव करने के लिए, या फिर अगर आपको पिंपल्स आते हैं और उसके छोटे मार्क्स हैं उन मार्क्स को रिमूव करने के लिए भी कोजिक एसिड बहुत अच्छा होता है. कुछ लोगों को फोरहेड पे बहुत टैन होने की प्रॉब्लम रहती है, पेरी ओरल टैन होने की प्रॉब्लम रहती है, all those people can switch to something with a combination of vitamin C and kojic acid. ye cream aap jab bhi aap koi bhi cream skin lightening lagana chalu karte hain, never apply it
वेरी रिगरसली मॉर्निंग एंड नाइट दो बार लगाया एकदम से स्टार्ट करके, ऐसे आपको कोई भी क्रीम नहीं लगानी। जब भी आप कोई भी न्यू स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाना स्टार्ट करें तो ऑलवेज अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ मॉइस्चराइजर। सो सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज करना है स्किन को, और उसके ऊपर आप ऐसा कोई भी इस तरह के कॉम्पोनेंट वाला स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा सकते हैं। पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आप क्रीम को ऑल्टरनेट नाइट्स में लगाइए, यानी एक रात छोड़ के लगाइए मॉइस्चराइजर के ऊपर। अगर कोई भी आपको एलर्जी नहीं हो रही है, नो टिंगलिंग ऑन द स्किन, तो फिर आप इसको डेली भी लगा सकते हैं। सो ऐसा क्रीम लगाने से आप डेफिनेटली इवन स्किन टोन आ जाएगा, एंड यू हैव टू स्टिक बाय इट। कम से कम 3 महीने आपको रेगुलर लगाना होता है, बिकॉज ये बहुत माइल्ड इन्ग्रीडियंट्स हैं। कोजिक एसिड, विटामिन सी, आरब्यूटिन, लिकराइज, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत सेफ हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करती हैं, लेकिन इसी वजह से ये बहुत माइल्ड भी होती हैं। तो आपको इनको लंबे समय तक लगाना है तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज माई एडवाइस रिगार्डिंग द स्किन लाइटनिंग क्रीम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इवन स्किन टोन के लिए और स्किन लाइटनिंग के लिए रेगुलर यूज में एक क्रीम चाहते हैं। तो यू कैन यूज सम क्रीम विद दिस काइंड ऑफ इन्ग्रीडियंट। ये यूज़ करने के बाद भी अगर आपको 2 से 3 महीने में ऐसा लगता है कि आपका टैन बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे पैचेस रह गए हैं चीक्स पे, या फिर आपके पिंपल के मार्क्स रह गए हैं, या आपके फोरहेड पे मार्क्स रह गए हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप इस क्रीम को भी अगर कंटिन्यू करेंगे ओजिक एसिड विद इट्स कोर्स, एंड जो आपका नॉर्मली स्किन डी स्क्वेमेट होता है, यानी कि हर 28 से 30 दिन में नॉर्मली भी आपकी स्किन निकलती रहती है, तो इस तरह से भी आपको 8 से 9 महीने में स्किन लाइटनिंग हो जाएगी। बट अगर आपको ये चाहिए कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे केस में यू विल हैव टू स्विच टू सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि केमिकल पील्स। सो पील्स और भी डीप डर्मिस में जाके आपके पिंपल के मार्क्स को अच्छे से रिमूव करते हैं। जनरल इवन स्किन टोन में क्रीम काम कर सकती है, बट डीप पिगमेंटेशन होगा तब हमें स्किन ट्रीटमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। स्किन ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि कौन से क्या आपकी कंसर्न है, कौन सी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं। सो नाउ आई कैन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। दिस वॉज द बेसिक आइडिया फॉर स्किन लाइटनिंग, और अब हम पर्सनल क्वेश्चन लेंगे। तो आप लोगों को स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, मार्क्स, पिगमेंटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, सो दैट आई विल आंसर देम वन बाय वन। तो ओके, आई एम सीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव ब्लैक पैचेस ऑन बैक नेक, डू यू हैव एनी ट्रीटमेंट? बैक नेक, आई थिंक यू आर मीनिंग बैक ऑफ द नेक, यानी नेप ऑफ नेक का जो एरिया होता है नेक के पीछे, तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यहाँ पे ब्लैक काला पिगमेंटेशन आ जाना। कुछ लोगों को तो ये होता है केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है और आप उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे, बट बहुत बार ये होता है एकेंथोसिस के कारण। एकेंथोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी में थोड़ा बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, यानी अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, किसी को आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में शुगर की हिस्ट्री है, तो दैट मीन्स कि यू आर मोर प्रोन टू गेट एकेंथोसिस, विच इज़ एक वेलवेटी जैसा पिगमेंटेशन नेक के पीछे आ जाता है जो निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसको कितना भी स्क्रब करें आप या कितना भी आप उसको उसमें प्रोडक्ट्स लगाएं, वो जाता नहीं है। तो अगर ये इशू है तो देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। कुछ टेस्ट कराए जाते हैं आपके और उसके बाद इस पर पील की जाती है। सो केमिकल पील से डेफिनेटली नेक का जो गाढ़े से गाढ़ा पिगमेंटेशन है वो निकल जाता है। नेक पील में यूजुअली 4 सेशन लगते हैं रिजल्ट देखने के लिए। डेफिनेटली पहले सेशन से ही आपको 10-20% पिगमेंटेशन कम दिखने लगेगा, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग सब्सिक्वेंट सेशंस तो आपको नेक पिगमेंटेशन ज़्यादा ठीक होता दिखेगा। सो आई थिंक गरिमा आपको आपका आंसर मिला है। एंड सो एनी मोर क्वेश्चन यू हैव गाइज, यू कैन DM अस और आप WhatsApp कर सकते हैं 7678692243 पे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो भी आपका स्किन कलर है गाइज, प्लीज लव योर सेल्फ, बिकॉज जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो दुनिया वाले आपसे प्यार कर पाएंगे। सो ऑलवेज कीप लविंग योर सेल्फ एंड टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड।